हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में आयोजित राष्ट्रीय योग कार्यशाला के छठवें दिन आयोजित हुई भारतीय संस्कृति में योग, अध्यात्म एवं शिक्षा विषय पर कार्यशाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जीवन को संतुलित बनाए रखने का नाम है योग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में आयोजित हुई एक अहम बैठक, राज्य के कुल 11 जिलों के सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी हुए शामिल। 28 जून को मगहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने पर किया गया मंथन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन लगाए जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर किया गया निवारण। डॉक्टर अवधेश अग्रवाल के पिता स्वर्गीय सत्यनारायण अग्रवाल के 100वीं जयंती के अवसर पर सीएम योगी पहुंचे उनके घर, दी श्रद्धांजलि। जिले के सभी न्याय पंचायतों में लगेगी किसान पाठशाला, किसानों को दी जाएगी कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी। धरने के तीसरे दिन प्रेरक संघ ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्री के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट जांच अभियान के क्रम में 185 बिना टिकट यात्रियों से किराए एवं जुर्माने के रूप में 1,29,710 रुपए की हुई रेल राजस्व की वसूली। विद्यालय के दोस्तीकरण के विरोध में राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में रॉयल उद्यान क्रिकेट अकेडमी ने TNM क्रिकेट अकेडमी को 13 रन से हराया।